हेलो दोस्तों, तो एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम जानेंगे इस वीडियो में कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसकी एग्जाम होना है, क्या इसका एग्जाम प्रोसेस होने वाला है और क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। सारी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख लीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जज्बा है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इसके एग्जाम फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म इसके भराने वाले हैं 10 अगस्त से 30 अगस्त तक इसके एग्जाम फॉर्म भराने वाले हैं एसएससी सीपीओ के, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिलने वाली है, ठीक है। तो कब से इसके फॉर्म भराने वाले हैं, 10 अगस्त से 30 अगस्त तक इसके फॉर्म भराने वाले हैं। अगला हम देखें इसकी एग्जाम प्रोसेस क्या रहने वाली है। इसकी एग्जाम प्रोसेस देखो, इसका जो एग्जाम शेड्यूल्ड है, इसका एग्जाम शेड्यूल्ड है आपका नवंबर में। कब है इसका एग्जाम शेड्यूल, नवंबर में। तो इसकी एग्जाम कब होने वाली है आपकी, एग्जाम आपकी होने वाली है नवंबर में। कब होगी इसकी एग्जाम, नवंबर में होने वाली है, ठीक है। एग्जाम का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है, जो एग्जाम का प्रोसेस रहेगा आपका चार स्टेप में रहेगा। कितने, चार स्टेप में एग्जाम का प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। चलो जान लेते हैं हम चारों स्टेप क्या। सबसे पहले होगा आपका पेपर फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, पेपर फर्स्ट होगा। उसके बाद आपका पीईटी और पीएसटी टेस्ट होगा, पीईटी और पीएसटी टेस्ट होगा। उसके बाद होगा आपका पेपर सेकेंड और लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जाम। क्या होगा, मेडिकल एग्जाम लास्ट में होने वाला है। तो ये रहेगी इसकी प्रोसेस, ये होगा इसका एग्जाम फॉर्म, ये होगी इसकी एग्जाम डेट, आपकी नवंबर में होने वाली है। पेपर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपको चार चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश रहेगा और जीके और जीएस और जीए, ठीक है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जीके, स्टैटिक जीके और जीएस, चारों चीजें इसमें पूछेंगे, ठीक है। तो मैथ्स पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, इंग्लिश पूछेंगे और जीके पूछेंगे, ठीक है। तो मैथ्स सारे सब्जेक्ट के आपके कितने, पेपर फर्स्ट में 50-50 क्वेश्चन होने वाले, कितने, 50-50 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से आपके आने वाले हैं, ठीक है। जो आपका पेपर फर्स्ट होगा उस पेपर फर्स्ट में सारे पोर्शन से आपके 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का नंबर एक होगा, ठीक है, कितना, एक नंबर का, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। टोटल कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, नंबर भी आपके 200 रहेंगे, ठीक है। यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, कितनी, 1/4 रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की यदि हम बात करें तो कितनी रहेगी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। समय भी आप देख लीजिए, समय कितना रहेगा, 2 घंटे, समय 2 घंटे का समय रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करें पीईटी और पीएसटी, यदि आपका पेपर फर्स्ट क्या हो गया है, क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। अब बात आती है क्या, सेकेंड प्रोसेस की। तो सेकेंड प्रोसेस में होने वाला है पीईटी और पीएसटी टेस्ट, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट होनी चाहिए कितनी, 170 सेंटीमीटर, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो यूआर, ठीक है, यूआर वालों की जो हाइट होनी चाहिए कितनी, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन वाले को 165 और एसटी वालों को 162 सेंटीमीटर यहां पर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की यदि हम बात करें तो इनका चेस्ट 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके लिए भी 80 और 85 ही है। और यहां पर एसटी कैटेगरी के लिए कितना है, तो एसटी कैटेगरी के लिए 77 और 82, कितना, 77 और 82 सेंटीमीटर है, ठीक है। फीमेल की हम बात करें, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर यूआर के लिए, यूआर के लिए फीमेल की हाइट कितनी, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अदर 155 और 154 आपकी फीमेल की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम पीईटी टेस्ट की। पीईटी टेस्ट के अंतर्गत आपका क्या क्या होने वाला है, देखिए,
पीईटी टेस्ट के अंतर्गत होगा आपका रनिंग। सबसे पहले होता है क्या, दौड़। तो उसमें होगी एक 100 मीटर और एक होगी 1.6 किलोमीटर। तो बॉयज के लिए जो 100 मीटर है आपको करना है 16 सेकेंड में कंप्लीट, और जो 1.6 किलोमीटर है आपको करना है कितना, 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। वही फीमेल की हम बात करें, फीमेल की बात करें तो 100 मीटर 18 सेकेंड में कंप्लीट करना है और 800 मीटर कंप्लीट करना है 4 मिनट में। 800 मीटर कंप्लीट करना है कितना, 4 मिनट में, ठीक है। इसके बाद जो अदर एक्टिविटीज भी होगी आपकी, हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होगी, ठीक है। हाई जंप और लॉन्ग जंप भी इसके अंतर्गत होने वाली है, ठीक है। तो बॉयज के लिए होगी कितनी, हाई जंप आपकी 3.65 मीटर, कितना 3.65 मीटर। इसमें लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप होगी कितनी, 1.2 मीटर, ठीक है। सब में तीन तीन चांस मिलेंगे इनमें, हाई जंप लॉन्ग जंप में। और शॉर्ट पुट भी करना है आपको, ठीक है। गोला फेंक भी होगा, कितना 16 LBS का होगा, उसमें 4.5 मीटर फेंकना है आपको। 16 LBS का होगा, उसको कितना 4.5 मीटर फेंकना है, ठीक है। फीमेल की हम बात करें तो उसमें होगी कितना, फीमेल में लॉन्ग जंप होगी आपकी 2.7 मीटर की, कितनी 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप होगी। और हाई जंप की बात करें तो 0.9 मीटर, मतलब 3 फीट, ठीक है। तो ये होने वाला है आपका क्या, फिजिकल टेस्ट। क्या होने वाला है, फिजिकल टेस्ट। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं आप लोगों को। जो आप यदि इसे भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद होगा आपका क्या, पेपर सेकेंड होगा। और पेपर सेकेंड होगा आपका 200 नंबर का, और इस 200 नंबर में सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगी क्या, इंग्लिश। क्या पूछा जाएगा, 200 नंबर की सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। यदि आप यह भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा, और फाइनली आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इसका क्या होगा, क्वालिफिकेशन इसका ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है। ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए मन लगाकर, और दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाइए, ठीक है। सीपीओ जो आपका एग्जाम लेगा, कौन, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन SSC के तहत होने वाली एग्जाम, ठीक है। लगभग 4300 लगभग पोस्ट चाहिए, ठीक है। न्यूज में चल रहा है 4300 और नोटिफिकेशन में 3900 कुछ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।